फ्रेंड्स, मैं राधिका, अर्बन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ चावल के आटे और आलू से बने हुए एक नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप सुबह शाम की चाय के साथ खा सकते हैं या जब आपको हल्की फुल्की भूख लगे तब भी आप इसे खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाने में बहुत ही आसान है, झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। जिसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में आधा कप पानी डालकर पानी को गर्म होने देंगे। अब पानी अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच तेल, आधी चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच डाल देंगे हम हल्दी पाउडर। अच्छे से मिला देंगे। फिर डाल देंगे आधी चम्मच नमक। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। वापस से अच्छे से हम मिला देंगे। अब ये पानी अच्छी तरह से गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे चावल का आटा। मैंने यहाँ एक कप चावल का आटा लिया है। ये चावल का आटा मैंने उसी कप से लिया है जिस कप से मैंने पानी लिया है। तो इसे हम इसके अंदर डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिलाते जाएंगे। पानी का यूज़ मैं बाद में और करूँगी यदि मुझे ज़रूरत लगेगी तो, क्योंकि चावल का आटा बहुत ही जल्दी गीला हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाद में यदि ज़रूरत लगती है तो आप पानी का यूज़ कर सकते हैं। ये भले दिखने में ऐसा ड्राई लग रहा है, लेकिन जब हम इसे हाथों से मसलेंगे तो ये आसानी से बाइंड होने लगता है। इसे अच्छे से मिला देंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ढक करके 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गया है, ढक्कन को हम हटा देंगे और एक बार वापस इसे अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम अपने हाथों से इसे इस तरह से मसलेंगे। ये दिखने में भले ड्राई लग रहा है, लेकिन जब हम इस तरह से इसे बाइंड करेंगे तो ये देखिए कितनी आसानी से ये बाइंड होने लगेगा, ये देखिए। तो ये प्रोसेस हमें जब ये चावल का आटा हल्का सा गरम गरम हो तभी करना है। ये देखिए, मैंने अभी पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि पानी की ज़रूरत है तो आप इसमें थोड़े से पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एकदम ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें। ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जब आपको हल्की फुल्की भूख लगे तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से बाइंड हो रहा है, ये देखिए। अब मैंने यहाँ पर 2 उबले हुए आलू लिए हैं जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, तो इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। फिर डाल देंगे आधी चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच डाल देंगे नमक। नमक थोड़ा ध्यान से ही डालिए, क्योंकि जब हमने चावल के आटे को पकाया था तो पकाते समय पानी के अंदर नमक डाला था। अब हम सभी चीज़ों को वापस से अच्छे से मिलाएंगे और इसे डो की तरह तैयार करेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि पानी का यूज़ एकदम ज़्यादा ना करें, क्योंकि हम इसमें आलू डाल रहे हैं तो आलू के मॉइस्चर से ये आटा ऑलरेडी गीला हो जाएगा। और ये नाश्ता बनाने के लिए हमें ये आटा ना तो ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं ये कितनी ईजिली से बाइंड हो रहा है, ये देखिए। तो इस तरह से हम इसे मसल कर डो की तरह तैयार कर लेंगे। तो मैंने इस आटे को डो की तरह तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। ये नाश्ता बनाने के लिए हमें इस तरह का आटा चाहिए, ये देखिए, एकदम ना तो ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। मैंने इस आटे में बाद में पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि पानी की ज़रूरत है तो आप थोड़े से पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाई चांस यदि ये डो गीला हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा और मिला लीजिए और इसे थोड़ा सा सख्त कर लीजिए। तो अब हम ये नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। अब हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे लोई की तरह गोल करेंगे, इस तरह से, जैसे हम रोटी बनाने के लिए लोई बनाते हैं। यदि ये आटा आपके हाथों में चिपकता है तो आप थोड़े से तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाथों में तेल लगाकर हाथों को ग्रीस कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से लोई बना लेंगे हम। अब मैंने एक प्लेट में सूखा चावल का आटा लिया है, तो हम इस लोई को इस तरह से सूखे चावल के आटे में लपेट लेंगे और अब हम इसे बेलेंगे हल्के हल्के हाथों से। एकदम ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इसके किनारों को हमें एडजस्ट करते जाना है, ये देखिए। क्योंकि ये चावल का आटा है तो जब हम इसे बेलेंगे तो बाजू से इसकी रोटी थोड़ी सी फट जाएगी, तो आप इस तरह से इसे हाथों से एडजस्ट करते जाइए। ये देखिए, इससे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है हमें। उसके बाद आप इस तरह से हाथों से इसके किनारों को एडजस्ट कर लीजिए। और ये नाश्ता बनाते समय आप एक चीज़ का ध्यान और रखें, जब आप इसमें आलू डालें तो आलू को अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद ही डालें। यदि आप गरम गरम आलू को इसके अंदर डालेंगे तो उसकी गर्म भाप के कारण भी ये आटा गीला हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हमें रोटी तैयार करनी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें रोटी की थिकनेस को रखना है।
अब मैंने यहाँ पर एक कुकीज़ कटर का इस्तेमाल किया है, ये मैंने हार्ट शेप का कुकीज़ कटर लिया है। आप यहाँ पर किसी भी बॉटल के ढक्कन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, और इस तरह से हम कट करने के बाद इसे प्लेट में रखते जाएंगे। अब जो इसके आइट साइड्स के बचे हुए डो हैं, इसे हम वापस से उस आटे में मिला लेंगे और वापस से इसके लोई बनाकर हम इसके नाश्ता बना लेंगे। तो इसे हम वापस से डो में मिला लेते हैं और इसी तरह से हम सारा नाश्ता बनाकर रख लेंगे। तो यदि आपके पास कुकीज़ कटर नहीं है तो आप देखिए इस तरह से ढक्कन से भी इसे कट कर सकते हैं। आलू डालने से ये नाश्ता इतना टेस्टी लगता है, जब आप इसे बनाकर खाओगे तो इसके स्वाद को भूल ही नहीं पाओगे। और जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगेगी तो आप इसी नाश्ते को बनाकर खाओगे। तो अब हम इसके आइट साइड के पार्ट्स को हटा देंगे इस तरह से और वापस से डो में मिला लेंगे और फिर से हम इसका यूज़ करेंगे। तो देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ये। तो आप इसे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। इसी तरह से हम सारा नाश्ता बना लेंगे। अब ये सारा नाश्ता रेडी है, तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब मैंने इन्हें फ्राई करने के लिए पहले से ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर ये नाश्ता डाल देंगे जो हमने बनाया है। एक एक करके हम इसके अंदर डाल देंगे और जितने एक बार में कढ़ाई में आ जाएंगे उतने हम इसके अंदर डालेंगे। इसे फ्राई करने के लिए तेल एकदम ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। यदि आप एकदम ज़्यादा गर्म तेल में इसे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। अब हम इन्हें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। जब ये हल्के से फ्राई हो जाएंगे उसके बाद हम इसे झारे से पलटेंगे। और एक चीज़ का ध्यान और रखें, इसे एकदम ठंडे तेल में भी ना डालें। अब ये हल्के से फ्राई हो गए हैं तो इन्हें हम हल्के हल्के हाथों से पलट देंगे और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। इस तरह से पलटते जाएंगे ताकि दोनों साइड से बढ़िया सा कलर आए। अब आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से थोड़ी देर कढ़ाई के ऊपर रोक के रखें ताकि इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा तेल है वो कढ़ाई में ही चला जाए। और इसी तरह से हम सारे नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, ये देखिए। और मैंने सारे नाश्ते को फ्राई कर लिया है, तो गैस को हम बंद कर देंगे और इसे भी तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए कितना टेस्टी चावल के आटे और आलू से ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब मैं एक नाश्ता उठाकर आपको बताती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी है। ये देखिए, ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए, वाव, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यदि रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू वॉचिंग माई वीडियो।